बाल आज जो है वो ऐसे लग रहे हैं जैसे सो के इंसान उठाओ मगर मैं था हेयर कटिंग के लिए और उसने आज कुछ कर दी है अभी गर्मी पूरी स्टार्ट नहीं हुई तो आइसक्रीम और आइस कैफेज के बाहर जो है ना कतारें लगना जो है वो शुरू हो गई हैं। फ्रांस का टावर एक छोटे से कैफे के बना रखा है। वेलकम बैक दोस्तों, एक नई वीडियो में मैं हूं वलीद, रहता हूं जर्मनी और लाता हूं आपके लिए डिफरेंट किस्म की वीडियोस। आज हूं मैं जर्मनी के सिटी हैमबर्ग में और यहां पे होने जा रहा है एक स्ट्रीट इवेंट। लास्ट टाइम 2018 को हुआ था और उसके बाद 3-4 साल जो है ना ये इवेंट नहीं हुआ था। आज 3-4 सालों बाद फिर होने जा रहा है। इससे पहले कि मैं इवेंट की तरफ जाऊं, मुझे लेनी है सबसे पहले वाटर की बोतल, बिकॉज के सनी वेदर होने की वजह से मुझे जो है प्यास वो लग भी गई है। एक लेते हैं पानी की बोतल और इसके बाद जाते हैं फिर इवेंट की तरफ। मेरे बाल आज जो है वो ऐसे लग रहे हैं जैसे सो के इंसान उठाओ मगर मैं था हेयर कटिंग के लिए और उसने आज कुछ कर दी है डैट्स वाई ऐसे नज़र आ रहे हैं। ये वो मेरे पीछे आप देख रहे हैं उस स्ट्रीट पर जो है ना वो इवेंट है। ये यहाँ पे लगाया गया म्यूज़िक के लिए, डीजे के लिए स्टेज और ये एक्टिविटीज़ चल रही हैं अभी स्टार्ट होने की। जैसा कि आज चूँकि मौसम भी बहुत अच्छा है डैट्स वाई आप जिस तरफ देखेंगे आपको हजूमी हजूम मिले। आप यहाँ से चप्पल्स वगैरह भी ख़रीद सकते हैं, चप्पल्स बुक्स स्टॉल भी लगे हुए हैं। अगर पता होता तो यहाँ से इंसान जो है वो कैमरा ये देखें जैकेटें चेक हो रही हैं। गर्मी की एक्टिविटीज़, ऐसी एक्टिविटीज़ आपको कहीं और मिलेंगी पाकिस्तान में। ये देखें यहाँ पे चल रही है बियर। मैंने चूँकि बियर नहीं पीनी सो डैट्स वाई मैं अभी ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे कोई मार्केट, ग्रोसरी वारी या फिर इसके अलावा रेस्टोरेंट जहाँ से मैं पानी जो है ना वो खरीद सकूँ, क्योंकि मुझे तो अभी प्यास लगी है। इसके अलावा आपको यहाँ पे हर रंग की दुनिया जो है ना वो मिलेगी, जस्ट लाइक रेड कलर वाले, पिंक कलर वाले। अभी रात तो नहीं हुई मगर रात वाली एक्टिविटीज़ जो है ना वो स्टार्ट होने को जा रही हैं। म्यूज़िक चल रहा है, डांस स्टार्ट हो रहा है तो, लेकिन अभी कुछ लोग कम हैं। मुझे अभी वाटर ख़रीदने के लिए जो है ना रेस्टोरेंट या मार्केट ऐसी नज़र नहीं आ रही जहाँ से मैं जल्दी ख़रीद पाऊँ। जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पे बहुत जो है हजूम होता है, क्योंकि ड्रिंक्स ख़रीदने के लिए पहले ही ऑलरेडी वहाँ पे जो है वो कतारें बनी हुई हैं। यहाँ पे है हर तरफ पानी ही पानी और ये वाटर वाली बोतल ले ली। ये कह रहा था मुझे कि यहाँ पे जो है ना आपको इजाज़त नहीं वीडियो बनाने की, सो डैट्स वाई मैं छोटा सा शॉर्ट सिर्फ ये पानी तो ले लिया भाई। असल में बात पता क्या थी, असल में मुझे पहले नंबर पे तो अंदर उन्होंने इजाज़त नहीं दी ब्लॉगिंग करने की, क्योंकि इजाज़त होती भी नहीं। और इसके अलावा जो मैंने नोट किया है ना कसम से जितने भी थे वहाँ पे ना, जितने भी देखे हैं, अगर 100 में से मैंने 80% लोग ऐसे देखे हैं
जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो बियर्स और विस्की वगैरह की जो बोतलें हैं ना वो उठा रखी थी। अच्छा, आज मौसम भी बहुत गर्म है, बहुत गर्म, इतना गर्म भी नहीं जितना हमारे यहाँ होता है, मगर इस लिहाज से आज मौसम जो है वो 22, आज का जो है ना वो दर्जा हरारत वो 22 है, तो आज तो बियर वैसे भी बहुत ज़्यादा चलेगी। नॉर्मली ये लोग वैसे भी जो है ना बियर बहुत ज़्यादा पीते हैं, सो डैट्स वाई आज तो वैसे भी बहुत चलेगी। और आपको बहुत सी टूटी हुई बोतलें जो है ना वो आज सड़कों पे, स्पेशली इस सड़क पे जी जहाँ आज इवेंट हो रहा है ना, इस सड़क पे आपको आज बहुत सी जो है वो टूटी हुई बोतलें भी मिलेंगी। अगर यहाँ से किसी ने कैपी वगैरह लेनी हो तो बहुत सी डिफरेंट किस्म की कैपीज लगी हैं, आप कैपीज भी ख़रीद सकते हैं, आप ये खिलौने वगैरह भी ख़रीद सकते हैं, हर चीज़ हर तरह की वैसे जो है ना खरीदो फरोख्त चीज़ें यहाँ पे दस्तियाब हैं, और मार्केट्स वगैरह से आपको जो है वो खाने पीने का जो सामान है वो सस्ता मिलेगा रेस्टोरेंट। आवाम नाचने के मूड में है, लेकिन उसके लिए अभी रात होने का जो है ना वो इंतज़ार किया जा रहा है। भाई यहाँ पे सर्दी इतनी होती है कि हर चीज़ छोटी होने लगती है, तो हम चूँकि 7 साल से यहाँ पे रह रहे हैं तो हमारे तो चले अब आदत बन गई, मगर जब आप नए आते हैं तो आप फील करते हैं कि ज़ाहरी बात चीज़ें जो है ना वो छोटी होना शुरू हो गई हैं। अरे भाई सर्दियों वाली जैकेट भी है इधर, मगर एवरीथिंग इज सेकंड हैंड। ये क्या लगा रखा है भाई, ये देखो ये वाला जो है ना पुराने वाला फोन वो घर में जो होता है। आगे आगे देखते हैं। ओ ये भाई बड़े बड़े ट्रैक्टर, ये तो भेजूंगा मैं अपने अंकल को विकास के, वो बहुत बड़ा फैन है ट्रैक्टरों का। अगर किसी ने सर्दी वाले कपड़े लेने हो तो वो सस्ते वाले ले सकता है ये समझे, ये जस्ट लाइक वो जो हमारे यहाँ लंडा नहीं होता उसी तरह का, उसी तरह का कुछ सिस्टम मुझे लग रहा है। यहाँ से आपको हल्की जो है ना वो डिफरेंट किस्म की चीज़ें वो मिल जाएंगी। ये है दुकान की मालक, और परेशान नहीं होना, भाई ने जो इजाज़त है वीडियो के लिए वो ले रखी है। सो और ये है इसका साथ में पार्टनर। अभी गर्मी पूरी स्टार्ट नहीं हुई तो आइसक्रीम और आइस काफेज के बाहर जो है ना कतारें लगना जो है वो शुरू हो गई हैं। ये जो डब है ना ड्रिंक्स वगैरह के लिए, यहाँ पे बहुत क्राउड और बहुत देर से, और जो स्टिमिंग है यानी कि जो सिस्टम है इवेंट का वो भी अच्छे तरीके से बना रखा है यहाँ पर।
स्पेशली जब आप वॉक कर रहे हो ना तो आपको भूख भी ज़्यादा लगती है। तो अभी मेरा भी ख्याल था कि मैं यहाँ से एक जो है वो सैंडविच लूँ, और सैंडविच खाते हैं, मगर ये आप कतार देखें कितनी लंबी है। दैट्स व्हाई मैंने अपना जो है फैसला वो वापस ले लिया। मैंने फ्रांस का टावर एक छोटे से ढाबे के बना रखा है। अरे भाई पूरी दुकान सजा रखी है इन्होंने, ये देखें सब कुछ। यानी कि अगर कमाई की बात करें तो जो लोग ऐसी चीज़ें लगा के सड़कों पे बेचते हैं ना, वो अच्छे खासे जो है ना पैसे कमा लेते हैं। मुझे लगता है हमें भी इस जैसा कोई मिस्टर अंकल बनाना पड़ेगा ताकि कमाई का कोई वसीला बने। ये पार्टी तो चलेगी भाई सारी रात, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। सो डैट्स व्हाई तो ये था आज का स्ट्रीट इवेंट। ऐसे जो है ना यहाँ पे स्ट्रीट इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, और यहाँ पे भी एक छोटा सा उन्होंने कैफे टाइप का डिस्को बना रखा है। अभी सभी डिस्कोस जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं, और कुछ आ रहे हैं कुछ जा रहे हैं, जैसा कि मैं अभी जा रहा हूँ। तो पार्टी जो है ना, जो जो मैंने देखा है और जैसी तैयारियाँ देख रहा हूँ डिस्को वगैरह की, आज जो है खूब इंजॉय होगा। तो मगर आज अपना जो इरादा ना मेरा वो इंजॉय करने का नहीं, डैट्स वाई चलते हैं घर और करते हैं वी लॉग तैयार, और दिखाते हैं आपको वी लॉग। जब आप इवेंट्स वगैरह पे जाओ तो कोशिश करो कि आप जो है ना कोशिश करो आप साथ में गाड़ी वगैरह पे नहीं जाएं, बल्कि ओपन ट्रांसपोर्ट जो है ना वो यूज़ करो। ये था आज का जर्मनी के सिटी हैम्बुर्ग का स्ट्रीट इवेंट, ओस्टा स्ट्रासन फेस्ट इनकी लैंग्वेज में कहते हैं। I'm not gonna die.